बल्लभगढ़ में बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले को लेकर जीजा माता सेवा न्यास संगठन की ओर से लघु सचिवालय में रोष जाहिर किया गया है। साथ ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन से जुड़ी महिलाएं मौजूद रही। महिलाओं ने कहा कि निकिता तोमर के साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उससे पूरा समाज शर्मिंदा है। उन्होंने निकिता हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री से महिलाओं की सुरक्षा की ओर कड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आगे किसी भी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार ना हो, इसके लिए सरकार को गंभीर एवं ठोस कदम उठाने चाहिए। बताते चले कि बड़ी संख्या में संगठन से जुड़ी महिलाएं निकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंची। गौरतलब है कि निकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी की जा रही है। इसी कड़ी में करनाल की महिला संगठन से जुड़ी समाज सेवी महिलाओं द्वारा इस मामले की गंभीरता से लेते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। इंसाफ चाहते हैं और आज क्या कुछ करने वाले? जैसे कि नितिका तोमर के साथ हुआ, हम चाहते हैं कि आने वाली किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। और मेरा पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि हमारे देश में एक ऐसा बिल पास हो सके कि जो भी ये कुरीति हमारे समाज में हो रही है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो मर्डर केस हो लड़कियों के प्रति, या कुछ भी ऐसी कोई जो कुरीतियाँ हो रही है समाज में, उसके लिए एक ऐसा बिल पास हो कि जो भी कोई ये काम करे तो तुरंत उनको शूट एट फर्स्ट एड कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको सजा ऐसी मिले, एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर ये बंदा इस लड़की का रेप करेगा या किसी को मारेगा तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हो तो जो आने वाले जो लड़के हैं, ये जितने भी शरारती तत्व हैं हमारे समाज के, वो डर के रहे। जैसे कि आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्री में भी एक रूल है कि अगर कोई किसी को इस तरीके से मारेगा तो उसका एक पनिशमेंट सेट हुई हुई है। तो मेरा यही अनुरोध है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वैसे तो जब से वो हमारे सरकार आई है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लड़कियों के लिए सुरक्षा कदम कर रहे हैं उसके लिए वो सराहनीय है, मगर फिर भी हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से और सुरक्षा के लिए और ऐसे नियम पालन होने चाहिए जिसकी वजह से कोई भी गलती करे तो उसके लिए एक डर पैदा हो जाए कि अगर आप ये काम करोगे तो उसके आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा करने से जो हमारे समाज में जितने भी ये बुरे कर्म हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और मैं दोबारा चाहती हूँ कि जो नितिका तोमर है उसके साथ जो हुआ है, जो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको फोर्सफुली एक्ट करा था, उस चीज़ के लिए उसको रोको। आज आप मानते हैं कि इस पे ठंडे बस्ते में क्यों है ये केस, कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक? हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि इसको जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में करना चाहिए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। आज आप कहाँ पर आए हैं, किन से मिले हैं? आज हम निशांत यादव जी के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि हम हमारी भारत की बिटिया को जो है वो इंसाफ दिलवा सके। मैडम क्या लगती जाएंगी समाज के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटियों का, महिलाओं का, और महिला तो राष्ट्र की आधार शक्ति है जी। आपका नाम क्या है? आपका सीमा। गुड़िया क्या कहना चाहते हैं बेटा? देखिए निकिता तोमर के साथ जो भी हुआ उस सबका हमको बहुत दुख है और हम उनके लिए यहाँ पर न्याय मांगने आए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख हमें इस बात का है कि इसके लिए ना तो कोई इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना इस मामले को कोई उठा रहा है, ना हम आसपास मीडिया में भी या कहीं भी इतना इस मामले को नहीं देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा दुख का विषय है। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पर भी हमारी बेटियाँ आज सुरक्षित नहीं हैं। अगर एक लड़की ने धर्म परिवर्तन के लिए या किसी भी कारण से ना बोला तो उस ना को ना की तरह लिया जाए और उसके निर्णय को रिस्पेक्ट किया जाए, हम ये चाहते हैं। और निकिता पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ ये हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो आखिरी लड़की हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ इस मामले नहीं बल्कि इसके पीछे की जो रीज़न है वहाँ तक जाया जाए, कारण तक जाया जाए और उस कारण को जड़ से ख़त्म किया जाए, जो कि सरकार अगर एक प्रेसिडेंट सेट करेगी, अगर कड़ी कार्यवाही होगी उसके खिलाफ, कल्प्रिट के खिलाफ, तो शायद हम इन मामलों को ख़त्म तो नहीं लेकिन कम करने में अपना सहयोग जरूर दे पाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.